की सीटें पी गए हाय कुमारी ऐसी कैसी, ओबीसी की सीटें पी गए हाय कुमारी ऐसी कैसी, आरक्षण के नाम खटकता हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, आरक्षण के नाम खटकता हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, गोली पर चढ़ने से रोके हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, गोली पर चढ़ने से रोके हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, हम बोले तो तुम्हें खटकता हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, हम बोले तो तुम्हें खटकता हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, हैंडपंप से हमें भगाते हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, गंगा जल से मंदिर धुलवाते हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, मनुवाद को लागू करते हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, मन व्यवस्था सही बताते हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, आवाज दो बाबा तेरी अमर कहानी, जब तक दरिया में है पानी बाबा तेरी अमर कहानी, जब तक दरिया में है पानी बाबा तेरी अमर कहानी, संतों का आरक्षण खा गए हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, संतों का आरक्षण खा गए हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, मनुवाद को लागू करते हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, वन व्यवस्था सही बताते हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, संविधान को रोज मिटाते हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, संविधान को रोज मिटाते हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, कॉलेजियम से जज बनवाते हाय तुम्हारी हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, लिटरल से आईएएस बनाते हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, बैकलॉग की सीटें खा गए हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, बैकलॉग की सीटें खा गए हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, संतों के आरक्षण खा गए हाय तुम्हारी ऐसी कैसी, अरे हम इतनी ऐसी कैसी कर देंगे कि होश न रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश पाल और आप देख रहे हैं जनता का राज। मैं इस समय महोबा डिस्ट्रिक्ट में हूं। आज जो क्रीमी लेयर के लेके आंदोलन हो रहा है पूरे देश में, इसी के साथ साथ महोबा में हो रहा था, यहां इस आंदोलन में कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी साथ दे रहे थे, तो उनसे भी बात करेंगे। इस आंदोलन में उनकी सहभागिता कितनी रही है, क्या नाम है आपका? जी, मैं रमाशंकर वर्मा जी। और ये भारत बंद एक ऐतिहासिक घटना के रूप में दर्ज होगा और 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया, इसके विरोध में हमारे जनपद महोबा के द्वारा एससी एसटी और समस्त ओबीसी समाज के द्वारा इस पारित आदेश का पूर्ण रूप से विरोध दर्ज किया गया है। इस समाज में रोष है, आक्रोश है और इस ज्ञापन के द्वारा ये प्रदर्शित किया गया है कि यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट या सरकारें इस पारित आदेश को वापस नहीं लेती हैं तो हम अगले तिथि को निर्धारित करके पुनः हम धरना और विशाल रैली का आयोजन करेंगे। धन्यवाद। एसटी ओबीसी सेमिलियर को लेके उनके क्या रास्ते बंद हो जाएंगे, क्या समझते हैं इससे? ये हमारा समाज का बंटवारा हो जाएगा सीधे सीधे, जो है एससी को भी कई भागों में बांट दिया जाएगा। अच्छा। जिससे कि हमें आगे आने वाले समय में जो है बहुत समस्याएं होंगी, इसलिए हम आदेश का विरोध करते हैं और हमेशा करते रहे, जब तक वापस नहीं हो जाएगा लगातार जो है विरोध में लगे रहेंगे हम लोग। कार्यक्रम में कितने लोग रहे होंगे यहाँ? लगभग 5-6 हज़ार लोग थे। 5-6 हज़ार जी। आगे की क्या रणनीति? आगे रणनीति ये है कि हम लोगों ने 1 महीने का समय दिया है, यदि 1 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे पुनः जो है आंदोलन की राह पर चलेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा मनोज वर्मा नाम है जी। मैं भी इसका एक संयोजक मंडल का सदस्य हूँ जी। और हम लोग जो आए हैं कि पहले जो 70-75 साल से जो चीज़ें पूरी नहीं की गई हैं, ये समय वो चल रहा है, जैसे बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है, एनएफएस दिखा करके हमारे पदों को अनरिजर्व वालों को दे दिया जाता है, लिटरेरी एंट्री कर रहे हैं, तो ये तमाम जो एससी एसटी ओबीसी के साथ जो छल कर रही है सरकार। और इसमें क्या है कि ऐसे निर्णय आते हैं कि इन संघर्ष को करने का हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर आप इसमें डिवाइडेशन करेंगे तो जब आप उन तक शिक्षा नहीं पहुँचा पाई है आज तक, तो वो पद कैसे भरेंगे? और वो हमसे आप भरने नहीं देंगे तो पहले तो जो सारे पद हैं उनको भरा जाए, और आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से ये लोग जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, पहले इन पर सामाजिक समानता पर काम होना चाहिए। आज भी इनके साथ दोहरा व्यवहार इस देश के अंदर चल रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम आज इस सभा स्थल पर आए हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हमारा पूरा समाज एकजुट करके इसके लिए लड़ता रहेगा। जैसे ही नारा लग रहा था भाई साहब कि हम सब एक हैं, यहाँ पर देखा कि कुछ संगठन से जुड़े हुए लोग पहले ज्ञापन दिलाया दे के आ गए, इससे क्या समझते हैं? यहाँ भी बंटवारा लग रहा था? नहीं, बंटवारा नहीं है। क्या है, ये जो कार्यक्रम था जी, ये
एससी एसटी ओबीसी संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम था, यहाँ नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था जी। जो लोग अलग से थे वो पॉलिटिकल लोग थे, पॉलिटिकल पार्टियों के अपने अपने प्रदर्शन थे और वो अपने अपने झंडे बैनर तले कर सकते थे। चूंकि इस बैनर तले जो हमारा बैनर था वहाँ सरकारी कर्मचारी भी बहुत संख्या में है, तो ये कोई राजनीतिक लोग यहाँ नहीं हो सकते थे, राजनीतिक झंडे या राजनीतिक बैनर नहीं हो सकता था, इसलिए वो अलग अलग कर रहे थे। बंटवारा नहीं है, मूलभूत जो मूल मुद्दा है वो ये है कि सब लोग एक साथ हैं और सब लोग इस बंटवारे का, इस वर्गीकरण का विरोध करते हैं। मैं एक लाइन बताना चाहता हूँ इस संबंध में, बहुत जरूरी बात। आज भी जिसका हम लोग विरोध करने आए हैं, चूंकि क्लास वन और क्लास टू की जो नौकरियां हैं, आई एस पी सी एस हो गई या जो उच्च क्लास की जो नौकरियां हैं, उनके लिए आज भी जिस तरीके की जितना टफ एग्जाम होता है, आप लोग अच्छे से समझते हैं, हर व्यक्ति जो ये बात करते हैं कि जो क्रीमी लेयर से ऊपर जाएगा ठीक है वो उसको वो नहीं मिलेगा आरक्षण, जबकि जो क्रीमी लेयर से नीचे रहेंगे बहुत गरीब क्लास के लोग हैं, वो उस तैयारी को कर ही नहीं पाएंगे। उस तैयारी को देखिए, क्लास ग्रुप डी और ग्रुप सी में तो हमारे लोग पहुंच चुके हैं, संख्या बढ़ती चली जा रही है, अब वो अपने बच्चों को बेहतर तैयारी करा सकते हैं। वो बेहतर तैयारी कराएंगे तो वो बच्चे जो हैं उनके क्लास वन और क्लास टू में भी पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ ही व्यवस्थाओं में हिस्सा ले पाएंगे, व्यवस्थाओं में हिस्सा छोटी नौकरियों में नहीं ले गए। एक डीएम साहब ही तय करते हैं कि जिले में क्या होना है, एसडीएम साहब तय करते हैं जिले में क्या होना है, बीएससी साहब तय करते हैं कि शिक्षा विभाग में क्या होना है। जब तक हम व्यवस्थाओं में हिस्सा अगर लेना चाहते हैं तो क्लास वन और क्लास टू की नौकरी में हमको पहुंचना पड़ेगा। अगर वहाँ की तैयारी में क्या है, सीसेट होता है, सीसेट नॉर्मल बच्चे नहीं, उसके लिए बहुत तैयारी की आवश्यकता है। और आजकल जो शिक्षा जितनी महंगी हो रही है बहुत धन की भी आवश्यकता है। तो अब सब कैटेगराइजेशन का मैं एक आपको नुकसान बता दूँ, जैसे उन्होंने क्या किया, ऐसे समझिए आप, जैसे बिरादरियों को हिस्सों में बांट दिया, जैसे कह दिया कि 400 मार दिया, एक हिस्सा वो है जैसे उनका अहरवानों को इतनी सी परसेंट, अनुरागियों को इतना परसेंट, श्रीवासों को इतना परसेंट, वाल्मीकि को इतना परसेंट, ऐसा कर दिया, तो इसका नुकसान पता है क्या होगा? जो वो जिन है, जो अभी मां साहब ने बताया ना कि एनएफएस का जो जिन है, नॉट फाउंड सुटेबल का जो जिन है, वो हम सबको कटक जाएगा। 3% मान लो अहरवार सीमित हो गए, अब अदर बिरादरी के लोग नहीं वहाँ क्वालिफाई कर पा रहे, सीसेट कोई क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, सीसेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस और इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, तो होगा क्या, ये एनएफएस का जिन सबको कटक जाएगा। आजकल लगभग हर वैकेंसी में ऐसा हो रहा है कि नॉट फाउंड सुटेबल का जिन हम सबके वो उनको खा जा रहा है नौकरियों को, और वो अनरिजर्व कोटे से भरी जा रही हैं। तो कहने का मतलब है कि तीन और ग्रुप सी और ग्रुप डी में तो ऐसा संभव है, लेकिन ग्रुप जब तक हम क्लास वन और क्लास टू में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचा देते, और मैं खुद ही ये कहना चाहूँगा सभी लोगों से, मैं खुद इसका शिकार हूँ, जब तक आप वहाँ पे उच्च लेवल पे हम लोगों के लोग एससी ओबीसी इसके लोग एससी एसटी और ओबीसी के लोग नहीं पहुँचते, तब तक बहुत ज़्यादा बराबरी नहीं आएगी, बराबरी छोटी नौकरी से नहीं आती है। बराबरी की बात कर रहे हैं सनत राजपूत थे हमारे साथ, विकास कुशवाहा जी हैं। विकास जी, एसटी एसटी ओबीसी के जो क्रीमी लेयर को लेके है, इससे आप क्या समझते हैं और समाज में क्या समानता दूरी हो जाएगी? देखो भाई, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यानी कि जो मूल संविधान था हमारा, मूल संविधान में जो बाबा साहब ने एससी एसटी को आरक्षण दिया था, उसमें बात ये थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई बात है ही नहीं। जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, उस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को दूर करने के लिए और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण दिया गया था। इसका इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, जबकि प्रतिनिधित्व का विषय है। जब मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, तो जब उन्होंने देखा कि इतनी 50 या 52% आतियाँ हैं, इनको बिल्कुल ना के बराबर आरक्षण मिला हुआ है, तब मंडल कमीशन ने 27% ओबीसी को आरक्षण दिया। लेकिन इस जातिवादी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस जातिवादी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्रीमी लेयर लगा दी। आज अगर उसमें क्रीमी लेयर ना लगी होती तो मैं कह रहा हूँ इसको कि ओबीसी की एक भी सीट नॉट फाइंड सुटेबल ना हो रही होती। इसीलिए मैंने एक दिन अभी पोस्ट भी डाली थी कि वर्ग ए में और वर्ग बी में ओबीसी में भी क्रीमी लेयर खत्म होना चाहिए। जातिवादी सुप्रीम कोर्ट, आप ये बताइए, अभी मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं कि जो ये सुप्रीम कोर्ट तमाम प्रकार की दुहाइयां देता है, अभी आप ये बताइए, आप एक सिंपल आंकड़ा, पूरी दुनिया इस आंकड़े को जानती है, एससी ओबीसी माइनॉरिटी को मिला करके और ओबीसी को मिला करके 85% जनसंख्या बनती है। उस 85% जनसंख्या की पता कितनी हिस्सेदारी है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मिलाकर? केवल 15%, और 85% हिस्सेदारी जनरल के हाथ में है। अब आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट कभी इसके बारे में क्यों नहीं कहता है? उस सुप्रीम कोर्ट अपने चाचा मामा ताऊ फूफा सबके लड़कों को जज बना देता है और हमारे लोगों की उसमें प्रतिनिधित्व नहीं होता है। हम कोई भाजपा के बहुत बड़े समर्थक नहीं हैं, लेकिन जब भाजपा एनजेक लेके आई थी, उस एनजेक में ये था कि 6 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी और 6 लोगों की कमेटी के बाद उसमें एक चीफ जस्टिस और 2 यानी चीफ जस्टिस के बाद आने वाले जस्टिस, 1 लॉ मिनिस्टर और 2 लोगों की जो चुनाव होगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस मिलकर करेंगे। लेकिन एनजेक ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, क्योंकि अगर वो एनजेक लागू हो जाता तो उनके चाचा मामा ताऊ फूफा के लड़के जज ना बन पाते। तो जातिवादी सुप्रीम कोर्ट ये महिलाओं की बात करता है। मैं आपको बता दूं, आज तक के अपने जब से स्वतंत्र
स्वतंत्रता मिली है, आज तक कोई चीफ जस्टिस महिला नहीं बनी है। और केवल अगर महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करें तो आज मैं सुबह आंकड़ा पढ़ रहा था, शायद 2 या 3% केवल महिला जजें आज तक सुप्रीम कोर्ट में बनी है। तो ये ना तो ये एससी ओबीसी और जन एससी ओबीसी माइनॉरिटी और एसटी के लिए प्रतिनिधित्व करा पा रहा है, ना ये महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व करा पा रहा है। और अब आकर के 70 साल हुए हैं, 5000 सालों से एससी के साथ गलत हुआ है, तो मैं 70 साल में देखने लगा कि उसमें क्रिमिनल लगा दूँ, उसमें ये लगा दूँ, उसमें वो लगा दूँ। आप समझ लें इस बात को, सब कैटेगराइजेशन अगर आपको करना भी है, रोहिणी कमीशन कहता है कि आप ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन करिए, लेकिन प्रभु आप जो भाजपा सरकार है अभी उसको ये निर्देश देने में आपके मतलब यानी कि हड्डी कांपने लगती है कि आप जाति की जनगणना कराइए। जब तक आप जाति की जनगणना नहीं कराइएगा जब तक हमें कैसे समझ में आएगा कि किस जाति को कितना आरक्षण मिला है। तो मैं आपसे यही कह देना चाहता हूँ ये एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। और रही बात वर्तमान सरकार की, वर्तमान सरकार उस पर अभी लीपाबोती कर रही है कि हम इसका क्रिमिनल लागू नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताइए आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आपके हाथ में सत्ता है, आपकी लोकसभा में सरकार है, आप तो सीधे इसको एक अध्यादेश लाइए और यानी कि उसको समाप्त कर दीजिए, और उसके बाद जब सदन आए उसको लोकसभा राज्यसभा से पारित करा दीजिए और पलट दिया जाएगा। भारत में चेक एंड बैलेंस है, अगर माननीय लोकसभा से कोई गलती होती है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम नहीं है। एक बहुत बड़े जज हुए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इन्फेलिबल। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियां होती हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट आप अपनी गलती मानिए, आपसे ब्लंडर हुआ है, ये आप वापस लीजिए, और पहले जातिगत जनगणना का यानी कि निर्देश दिए गवर्नमेंट को, फिर उसके बाद अगर कभी सब कैटेगराइजेशन करना भी है तो केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी में होना चाहिए, ना कि ए बी यू की नौकरी में। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। जी जी जी, तो आज महोबा में डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है और राष्ट्रपति महोदय के नाम से, आज के कार्यक्रम के बाद आगे क्या रणनीति है विकास जी? मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि यानी कि इसी तरीके से आज जैसे कि मुझे पता है सब पूरे भारतवर्ष में इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, अगर यानी कि के वर्तमान सरकार बांग्लादेश से कुछ सीख चाहती है तो उसमें जस्ट तौर पर ये काम करे कि यानी कि के इसको वापस ले, एक अध्यादेश जारी करे, ठीक है, दबाव में ना आकर के, क्योंकि और सुप्रीम कोर्ट से मैं कहना चाहता हूँ कभी आप धर्म पे अड़ंगा लगाने लगते हैं। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट 80,000 मामले आपके सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए, और जबकि आपका चेक एंड बैलेंस के लिए आपको आप जबरदस्ती लॉ एंड जस्टिस में क्यों आप टांग अड़ाती हैं? लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनी जाती हैं और लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनने के बाद यानी कि उस पर यानी कि वो एक्शन लें, क्योंकि उनकी जनता के प्रति जवाबदेही होती है। अगर वो जनता की मांग को सही से काम नहीं करते हैं तो 5 साल में उसको बदल दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर टांग नहीं अड़ानी चाहिए, अपना फैसला वापस लेनी चाहिए, यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। SC OBC का कहना है कि हक है हमारा आरक्षण। धन्यवाद, मेरा नाम है अवधेश, आप देख रहे थे जनता का राज। सबसे पहले एक लाइन जो अक्सर कही जाती है कि आरक्षण भीख नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आरक्षण वास्तव में भीख नहीं है, ये हमारे इतिहास की हम लोग इस बात को समझने में भूल करते हैं, अपने साथियों को समझा नहीं पाते। ये हमारे इतिहास में की हुई जो गलतियां हैं उनके लिए एक ऐसा प्रोग्राम है, गलतियों को सुधारने का एक मौका है। हम एक प्रगतिवादी स्टेप है और हम इसको नहीं समझ पाते। जो लोग आरक्षण विरोधी है वो समझते हैं कि भीख है, हम लोग इसको जस्टिफाई करते रहे कि भीख नहीं है। वास्तव में अगर हमारे इतिहास में गलतियाँ नहीं हुई होती तो हमको आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं थी। आरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी इसको शुरुआत से समझने की आवश्यकता है। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके विरोध में हम सब लोग खड़े हुए हैं। इससे पहले भी जब से मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई उस दौर से, उसको मैं थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर एक क्रमबद्ध तरीके से बताना चाहूँगा आप मेरे सभी साथियों को। सबसे पहले क्या हुआ कि मंडल कमीशन जब उसका आयोग का गठन हुआ, गठन होने के बाद उसने 89 में अपनी सिफारिशें पेश की। सिफारिशों के आधार पर इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस समय हम लोग इस स्थिति में नहीं थे कि आसानी से आरक्षण दे दिए जाए। जो ताकतें आरक्षण विरोधी हैं वो बहुत मजबूत थी और उसका पुरजोर विरोध कर रही थी। तो 1991 में जो तत्कालीन सरकार थी बीपी सिंह की, उन्होंने आरक्षण को ओबीसी आरक्षण को लागू कर दिया 27%। इसके बाद इस लेवल का विरोध हुआ, इस गजब का विरोध हुआ। उसके बाद उनको मजबूरी में EWS जो आज आया है, EWS से मार्च परचेज हुए हैं, EWS उस समय लागू कर दिया गया। तब क्या हुआ, इंदिरा साहनी केस, इसको बड़ा प्रसिद्ध केस है इंदिरा साहनी केस, उस केस में उसका विरोध किया गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो उसको खारिज कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं ये सही नहीं है। EWS जो आज आया उसको उस समय खारिज किया जा चुका,
लेकिन तब भी उन ताकतों को संतुष्ट करने के लिए क्रीमिलियर की व्यवस्था की गई, क्रीमिलियर की व्यवस्था की गई तुरंत ही। आज जो क्रीमिलियर सब कैटेगराइजेशन की बात की जाती है, ये उस दौर में 1991 में ही क्रीमिलियर की व्यवस्था ओबीसी में कर दी गई थी। और चाहे हम उस चीज़ को आज भी हम जस्टिफाई ना कर पा रहे हों, लेकिन हम समझने में कहीं ना कहीं चूक कर रहे थे। इसकी वजह से हम लोग एक बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए। आरक्षण विरोधी ताकतें आंदोलन खड़ा करने में सफल नहीं और क्रीमिलियर ओबीसी में लागू हो गया। उसके बाद इसके प्रयास लगातार किए गए। 1999 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश में 4 कैटेगरी में सब कैटेगराइज किया गया एससी को। एससी जो है उनको 4 कैटेगरी में सबसे पहले आंध्र प्रदेश में सब कैटेगराइज किया गया। उसके बाद उसके विरोध में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ये एक होमोजेनस ग्रुप है, हेटरोजेनस नहीं है, इसलिए हम इसको सब कैटेगराइज नहीं कर सकते और इसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद 2006 में पंजाब सरकार ने मजहबी सिख और वाल्मीकि उसमें इसको फिर सब कैटेगराइज किया, लेकिन उसके बाद भी सब कैटेगराइज करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ और उस केस को भी खारिज कर दिया गया। फिर सबसे जो अभी जो निर्णय आया है 2009 में तमिलनाडु सरकार ने फिर इसको 4 कैटेगरी में सब कैटेगराइज किया एससी को। वो केस आज तक चलता रहा 2020 तक उस केस को खींच के ले जाया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एक अलग से बेंच बिठाएंगे, एक स्पेशल बेंच बनाई जाएगी, जो इसके क्योंकि होता क्या था कि जब मंडल कमिश्नर की सिफारिशें लागू हुई तो वो प्रॉपर एक आयोग बना था, लेकिन जो आनंद फानंद में ईडब्ल्यूएस हुआ था उसमें आयोग नहीं बना था। तो ये लड़ाई वो तब से चल रहे हैं, लगातार इस पर संघर्ष चल रहा है। अच्छा, जो आरक्षण विरोधी ग्रुप है वो संगठित है और सक्षम है हर स्तर पर, उनके लोग हर स्तर पर हैं। जैसे मैं अंतिम बात बताने से पहले जो 2024 में निर्णय आया है, ये निर्णय आया है तो इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। हम लोग के संगठन के स्तर पे के जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ये बात उनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये बात का ध्यान दें। आप एक तरफ महिला की बात करते हैं, महिला हितों की बात करते हैं, आप समानता की बात भी करते हैं, आप संविधान की भी बात करते हैं, आपके खुद की उसमें एक भी आज तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में महिला नहीं हुई है आज तक। तो ये इन चीज़ों का भी ध्यान दिया जाए। एक चीज़ और जो सबकी जानकारी में लाना चाहूँगा, जो 1+33 मतलब 34 जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है, एक एससी और 33 जनरल हैं। तो इस बात में भी ध्यान दिया जाए, अगर आप सब जगह वास्तव में समानता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सब कुछ संवैधानिक तरीके से हो, तो फिर इन चीज़ों पर विशेष चीज़ों पर ध्यान दें। जब तक हम लोग उस अनुपात में, जिस अनुपात में हमारी संख्या है, उस अनुपात में हम लोग बराबर नहीं हो गए हैं, तब तक आप ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे हम लोग उसी जगह चले जाएं, उस मतलब 10-20 साल 50 साल फिर पीछे चले जाएं जहां से चल के संघर्ष करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। इसी के साथ मैं दूसरी बात भी बताना चाहूँगा, जो आरक्षण समर्थक लोग हैं उनको गहराई से इन बातों को समझना होगा कि हम लोगों को आरक्षण जो मिला है, जिस तरीके से मिला है, इसको बचाने के लिए लगातार संघर्ष करना होगा, क्योंकि इसको खत्म करने के तरह तरह के षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं, तो छुट्टा नहीं छोड़ा गया। इस बात को ध्यान देना है, सबसे बड़ा षड्यंत्र जो है, जिस बात का हमको डर है, सब कैटेगराइजेशन के बाद और क्रीमिलियर लागू होने के बाद जो सबसे बड़ा डर है, वो डर लगभग हर वैकेंसी में जो भी पढ़े लिखे लड़के हैं जो एग्जाम देने जाते हैं, वो हर वैकेंसी में चीज़ को समझते हैं। हालांकि हम लोग गांव के जो हमारे साथी हैं किसान मजदूर, उन तक ये बात नहीं पहुंचा पाते, ये बड़ी दुख की बात है। जैसे नॉट फाउंड सुटेबल जो है, आप समझिए, जैसे छोटी नौकरियों में जो ग्रुप डी और ग्रुप सी की नौकरी है, उनमें तो हम समझ सकते हैं कि भाई ठीक है, उसमें हमारा प्रतिनिधित्व थोड़ा बहुत चल रहा है, काफ़ी हो गया है, लेकिन क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों का क्या? अगर उसमें हम सब कैटेगराइजेशन कर देंगे कि इतने 3% ये हो जाएंगे, 3% अपराधी, 3% अपराधी, हम उसको जो 21% और 27% है इसको सब कैटेगराइज कर दें, उसके बाद क्या होगा? आपको उस बिरादरी के अलावा, एक बिरादरी के अलावा दूसरी बिरादरियों में वो लोग ही नहीं मिलने, आपको फिर बहाना बनाना है कि नॉट फाउंड सुटेबल, आपको हमारी सारी वैकेंसी अनरिजर्व कर देनी है, तब हम क्या करेंगे? इस षड्यंत्र को समझना है, इस षड्यंत्र को हमें वहाँ तक पहुँचाना है। जो लोग नहीं समझते, हमारे आज भी बहुत सारे साथी जो इस ग्रुप के हैं, देखिए देश हमेशा दो भागों में बटा रहा है, ये एक वो लोग हैं जो संसाधनों पर कब्जा कर चुके हैं और कभी नहीं चाहते कि दूसरे लोग संसाधनों पर कब्जा करें, तो देश हमेशा दो ग्रुप में बटा रहा है हमेशा से।
हमारे ग्रुप के लोगों को चीज़ों के बारे में बताना बहुत जरूरी है, वो जाने दो कि हमारे ग्रुप की जरूरतें क्या हैं। अगर ये नहीं जानेंगे तो हम लोग कभी भी एक, जैसे हम बोलते हैं कि हम समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बहुत अच्छा समान वो समान नहीं बना पाएंगे जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अभी हमारे डॉक्टर शरद राजपूत जी अपनी बात को कह रहे थे और उनकी बात निरर्थक नहीं है। अभी कई वक्ता हमारे इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं कि हमारे पास इस समय वक्ता 20 है और जो वक्ता बचे हुए हैं अब जिनके नाम अब आएंगे उनके नाम बाद में लिखे जाएंगे और समय मिलेगा तो हम उनको जरूर मौका देंगे। अभी